अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू निम्स ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते थे कि हमें कोई क्रीम्स बताएं, हमें कोई पिगमेंटेशंस के लिए जो आपने क्रीम्स बता रही हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं, और हम जब भी कोई पिगमेंटेशन फ्रैकल्स मेलाज़मा के लिए कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं उसके बाद अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारी स्किन पहले जैसे हो जाती है। तो आप लोगों को सिर्फ क्रीम्स ही यूज़ कर रहे हैं तो उससे सिर्फ क्रीम यूज़ करने से सब कुछ नहीं होगा। आज की वीडियो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है, बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी जो है क्रीम यूज़ कर रहे हैं, स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं, या उसके साथ आप जो है अपने पिगमेंटेशन को कम करने वाली कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आप जो है किस तरीके से आप अपने फेस पर उसको मेंटेन रख सकते हैं कि ताकि आपको दोबारा कभी भी जो है परमानेंट आपकी सारी फ्रैकल्स ख़त्म हो जाए, आपकी स्किन जो है वो हमेशा ग्लोइंग रहे और दोबारा आपकी स्किन पहले जैसी ना हो जाए, डार्क ना हो। तो आज की वीडियो एंड तक आपने देखनी है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपकी कोई रिक्वेस्ट है मज़ीद तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद उस पर डन लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी जो है क्रीम्स का रिव्यू दे चुकी हूँ, जिसमें हाइडर क्वीन प्लस और उसके अलावा जो है नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हैं इनके फॉर्मूले आप देख सकते हैं। ये जो क्रीम है हाइडर क्वीन प्लस, ये स्पेशली उसके लिए झाइयों के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल है, यानी बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं हाइड्रोक्विनोन और ये आगे से ट्रेटिनॉइन, और ये तमाम ये वाला जो फार्मूला है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये स्पेशली झाइयों के लिए, जो ज़िद्दी झाइयों के लिए, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हाइडर क्वीन प्लस बहुत ज़्यादा तेज़ है, इससे स्किन ख़राब हो जाती है, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो मेलाज़मा है आपके फेस पर, जो पिगमेंटेशन है, वो किसी भी आम स्किन वाइटनिंग क्रीम से कभी भी नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। जितनी भी मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स है, जैसे कि ये कोजिक एसिड क्रीम है, ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन अगर आप इसको पिगमेंटेशन पर अप्लाई करेंगे तो ये पिगमेंटेशन को ख़त्म नहीं करेगी, ठीक है। इससे आपकी स्किन वाइट ज़रूर होगी, इतनी भी वाइट नहीं होगी, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इवन टोन में होगी, और जितने भी हल्के से जो बिल्कुल रिसेंटली आपके फेस पर एक्ने स्पॉट्स आए हैं तो वो रिमूव होंगे, लेकिन आपकी जो जितनी भी ज़िद्दी झाइयाँ हैं वो इससे कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ये हो सकता है कि बिल्कुल हल्की सी हो तो वो उसको थोड़ा सा और लाइट कर देगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस तरह के स्ट्रॉन्ग फार्मूले की ज़रूर ज़रूरत पड़ती है, और इसका भी एक तरीका होता है कि भाई आपने इसको जो है, बहुत सारे लोग इसको जो है, ये स्किन को पील ऑफ करती है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्रीम्स है ना ये आपकी स्किन को पील ऑफ करती है, लेकिन आपने इसके अलावा इसमें मेलाज़मा है, फ्लैट्रो है, इन तमाम का जो है ना एक ही फॉर्मूला है, मेलाज़मा, फ्लैट्रो और इस टाइप की क्रीम्स है, तो इसको आपने एक तरीके के साथ यूज़ करना होता है। ये नहीं कि आप लोगों ने इसको बस अपने फेस पर लगा कर और इतना ज़्यादा लगा कर और आपने इसको छोड़ देना, ऐसे नहीं करना आपने। आप किसी क्रीम में हल्के से मिक्स कर ले, आप बिल्कुल पी साइज अमाउंट, इतनी बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, सिर्फ नाइट टाइम अफेक्टेड एरियाज पर लगाएं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को टैबलेट्स का भी बताऊंगी कि आपने ये क्रीम यूज़ करते हुए कौन सी टैबलेट्स यूज़ करनी है, लेकिन आपको मैं ब्रीफली इस वीडियो में समझा देती हूँ इन क्रीम्स का, क्योंकि इन क्रीम्स का जितने भी मैंने दफ़ा रिव्यू दिया सारे कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, इससे स्किन ख़राब हो जाती है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आप इसको एक जो है एक हद में यूज़ करते हैं और एक तरीके के साथ यूज़ करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, इसके साथ सन ब्लॉक यूज़ करते हैं आप, इसके साथ जो है सन ब्लॉक के साथ आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, क्योंकि इससे स्किन पील ऑफ होती है और रेडनेस आ जाती है अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। और अगर आप कोई बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पील ऑफ हो रही है और आप
आपने क्या करना है जी, आपने एक दिन छोड़ के लगा लेना है और बिल्कुल कम मिकदार में, जिस तरह से अब ये डर्माकोइन है, ठीक है, ये इसमें भी हाइड्रोक्विनोन ऐड है। हाइड्रोक्विनोन जो है एक ब्लीचिंग एजेंट है, ये जो है ये भी आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बट आपने क्या करना है, इसका सेम तरीका है, आपने इसको किसी स्किन वाइटनिंग क्रीम में मिक्स कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि हो गई स्किन वाइटनिंग, आप ऐसे नहीं करना कि आपने गोल्डन पर्ल में या आपने किसी उसमें कर लिया, आप मेडिकेटेड क्रीम्स में इसको जो है मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास ग्लाइको एड क्रीम है, ये मॉइस्चराइजिंग के लिए है, ठीक है। इससे आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इन दोनों क्रीम्स को यूज़ करते हैं, कोजिक एसिड और इसको, अगर इन दोनों क्रीम्स को आप मिक्स करके लगाते हैं तो आपको स्किन, आपकी स्किन जो है इवन टोन हो जाएगी और ये आपको बहुत बेस्ट इफेक्ट देगा, एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपकी स्किन को मिलेगा, स्किन पर ग्लो आएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वाइट हो जाएगी, आप बहुत गोरे हो जाओगे। ये जो मेडिकेटेड क्रीम्स है ना, ये आपकी स्किन को ना, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर लो तो आपकी स्किन कुछ शेड्स जो है लाइटर हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल दूध जैसे गोरे हो जाएंगे आप, और आपकी स्किन पर एक ग्लो आएगा, आपकी स्किन बिल्कुल फेयर होगी। फेयरनेस का मतलब है बिल्कुल दाग धब्बे कुछ नहीं, इस तरह से आपकी स्किन हो जाएगी। और साथ में ये विटामिन सी की जो क्रीम है, और ये इस टाइप की जो क्रीम है, ये भी मेडिकेटेड क्रीम है, ये आप किसी भी क्रीम में, स्किन वाइटनिंग क्रीम जैसे कि कोजिक एसिड है, इसमें भी मिक्स करके आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि पिगमेंटेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिगमेंटेशन जो है हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा, हम लोग क्रीम यूज़ कर चुके हैं जैसे कि ये क्रीम हो गई, हाइड्रोक्विन क्रीम हो गई है, लेकिन इसके यूज़ करने से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा पील ऑफ हो रही है। उसका तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से आपने इससे बचना है कि आपकी स्किन ज़्यादा पील ऑफ ना हो और सेंसिटिव ना हो आपकी। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन वो है, ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जब क्रीम छोड़ देते हैं हमारी स्किन पहले जैसे हो जाती है। तो आप लोगों ने सिर्फ ऊपर से ही अपनी स्किन को ठीक नहीं करना, आपने इंटरनली भी अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो उसके लिए जो बेस्ट मैं आप लोगों को मेडिसिन बताने जा रही हूँ, आप वो यूज़ करेंगे तो शायद आपको किसी क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई भी पिगमेंटेशन के लिए क्रीम ले रहे हैं तो आप उसके साथ कोशिश करें कि आप मल्टी विटामिन्स जो है वो टैबलेट ज़रूर लें, चाहे आप जिस एज ग्रुप के भी हो। जिसमें बेस्ट है केसन और ये एक है सर्बेक्स, ठीक है। ये मल्टी विटामिन टैबलेट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों की हेल्थ के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों को जो है हमारी स्किन डल सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि हम लोग अच्छी प्रॉपर डाइट नहीं लेते और इसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। और पिगमेंटेशन तो होती ही इसी हमारे जो है कि विटामिन्स की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो आप लोगों ने ये टैबलेट ज़रूर लेने, अगर आप लोग कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए तो आपने रोज़ाना एक सर्बेक्स क्रीम लेनी है, या तो आप चाहो तो आपने ये क्रीम लेनी है। ये 500 की आपको मिलेगी और ये जो है 350 रुपीज़ में मिलेगी। इन दोनों में से ये दोनों ही मल्टीविटामिन है, आपने दोनों नहीं लेनी, लेकिन आपने इनमें से कोई भी एक जो है टैबलेट ज़रूर लेनी है डेली के हिसाब से, ठीक है। आप 5 to 6 मंथ्स तक अगर आप लोग ये यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके फेस पर कितना ग्लो आएगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएंगी और आपको दोबारा पिगमेंटेशन नहीं आएंगी। और जो क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं और आप उसको ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये मेडिसिन जो है आप क्रीम के साथ इसको कंटिन्यू करें, और उसके बाद जब मैं आपके क्रीम आप लगाना छोड़ दें तो आप इसी मेडिसिन को खत्म मत छोड़ें। ये कैल्शियम की जो टैबलेट है 1000+ कैल्शियम विटामिन सी, ये बहुत ही बेस्ट है। मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आपने जो है ये डेली एक जो है पानी में डालकर पीना है। और इसके अलावा इसमें इस तरह के साशे भी आते हैं, साशे फॉर्म में, कैल्सी में, हमेशा कहती हूँ कैल्सी पिए, कैल्सी वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये ऑरेंज फ्लेवर, ये आप अपने हिसाब से किसी भी फ्लेवर में आप ले सकते हैं। ये है इसमें विटामिन सी, और ये विटामिन सी की जिसकी डेफिशिएंसी होती है जिसमें, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा जो है फ्रैकल्स है, आपकी स्किन डल है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपने क्रीम, आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख के आप वहाँ से जो है क्रीम कोई भी अपने फेस के हिसाब से, अगर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आप वो क्रीम सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपने जो है ले के आनी है ये टैबलेट, एक ये
एक सर्बेक्स, और जो है इन दोनों, ये दो चीज़ें आपकी जो है मस्ट होने चाहिए, आपने इसको यूज़ करना है। इसके अलावा आप कोई अच्छा सा सनब्लॉक जो है यूज़ करें डे टाइम, अगर आप ऊपर से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं अपनी स्किन को तो सनब्लॉक यूज़ करें, मॉइस्चराइजिंग करें अपनी स्किन की। अगर आप इस रूटीन को अपनाएंगे ना तो आपकी स्किन पर दोबारा कभी भी मेरी गारंटी के साथ पिगमेंटेशन नहीं आएंगी, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आप ये मल्टीविटामिन्स जो है यूज़ करें। और अक्सर जो है जितनी भी डॉक्टर्स होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेशेंट को जो है ये रिकमेंड करती हैं कि आप जो है ये मल्टीविटामिन्स और ये कैल्शियम की जो टैबलेट्स है ये तो ज़रूर उनको देती है कि आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि अक्सर जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आती है जो कि कभी भी बहुत मुश्किल से ख़त्म होती है। तो उसके लिए आप पहले से ही ये सब कुछ यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी इंशाल्लाह स्किन बिल्कुल साफ़ रहेगी, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे सेकंड चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको भी ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।